सपा के बागियों को बीजेपी की ओर से कितने का मिला पैकेज, अखिलेश ने एक एक कर बता दिया किसको कितना मिला। मनोज पांडे की अंतरात्मा में श्रीराम का वास है या फिर कुछ और। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने पुराने वीडियो को चलाकर मनोज को पूरी तरह से रगड़ दिया। राज्यसभा चुनाव में जिस अंतरात्मा की आवाज पर सपा के बागियों ने बीजेपी के 8वें राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ को वोट किया, अखिलेश ने तो उनकी सियासत की वाट लगा दी। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया किसको कितने का पैकेज मिला। ऑफ ए करप्शन जीरो टॉलरेंस, आप विधायकों को खरीद रहे हो, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हो आप। समाजवादियों के विधायक खरीद लिए पैसा देकर के आपने। सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला इन लोगों को। सुनने में आ रहा है कि 2 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे, फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। सोचिए आप, अपना फ्लैट भी देखा है रात में। 3 लोगों को मिला मिला है, स्क्वायर फीट के हिसाब से देखा। नहीं नहीं मिला मिला। अरे भाई, जब तुम्हारे को पैकेज मिलता है तो उन्होंने पैकेज ले लिया तो क्या करेंगे। अरे सरकार के विभाग से 7 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ मिलता है, नहीं मिलता क्या? अभी बातचीत भी कहां है? तो भाई वो विधायक है, सरकार बनवा रहे हैं, हमारे हमें धोखा दे रहे हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रात में चुपचाप विला देखने गए थे, बताइए आप। आत्ममंथन किया था उन्होंने क्या? सुना आपने, अखिलेश दावा कर रहे हैं सपा को धोखा देने वाले विधायकों में किसी को फ्लैट मिला, 3 विधायकों को विला मिला, कुछ को करोड़ों रुपए मिले। ये दावा करते हुए अखिलेश ने मनोज पांडे की ओर से किए गए उस दावे की मिट्टी पलीद कर दी, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। मनोज पांडे ने दावा किया था कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अखिलेश ने नहीं जाने दिया, इसलिए उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। अब अखिलेश ने पुराने वीडियो के जरिए मनोज पांडे के दावे को रगड़ दिया। अरे यार, आपके कैमरे अंधे हैं क्या? कैमरे अंधे थोड़ी होते हैं। याद कीजिए, प्रभु शालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं है, क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। पता उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? एक काम करो, वीडियो चलाओ वाला, हालांकि थोड़ा उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया था। तो बताओ तुम चला दें अगर पुराना मानो तो? नहीं चलाइए अगर पुराना मानो तो। नहीं भाई ऐसा नहीं, नहीं चलवाएंगे। होली आने वाली, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं उस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई बचाना कोई केसेस हो हम पर दो पार्टी के लोगों पे। ए चलाइए व्हाट्सएप वीडियो जो है है ना, आवश्यकता है। जब भगवान प्रभु राम हमें बुलाएंगे, मनोज पांडे दौड़ते नंगे पैर भगवान प्रभु राम के दर्शन को जाएंगे। विधायक वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। जो आप देख रहे हैं, अद्भुत शिला है, आकर्षणीय शिला है, जो नेपाल देश के रास्ते से होकर के आज ये लखनऊ में आई है। 101 विधायकों ने नारियल खोलकर और उस पर जलाभिषेक करके उनकी पूजा की है, अर्चना की है। एक तरह से अखिलेश ने मनोज पांडे की ओर से बनाई जा रही उस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त किया, जिसमें मनोज ने अखिलेश को सनातन विरोधी बताने का प्रयास किया। तभी अखिलेश कह रहे हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता।